आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन इस घोषणा पत्र से देश में राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा ने इस घोषणा पत्र को मुद्दा बना लिया है। बुधवार को रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने कोटा में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अपना गुस्सा जाहिर किया। विधायक दिलावर ने कहा कि कांग्रेस ने देश में लंबे समय तक राज किया है, लेकिन आज तक देश का विकास नहीं हो सका। जो जिसने इस देश में लंबे समय तक राज किया है, उसने कल घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा है कि देशद्रोह की धाराएं समाप्त करेंगे, जो 124 है। यानी अब कांग्रेस चाहती है कि इस देश में तिरंगे झंडे जलाए जाएं, भारत माता का अपमान किया जाए, आतंकवादी शरेआम यहां के लोगों को मार सकें, इस देश की सीमाओं को छोटा कर सकें और राष्ट्रद्रोह का कोई भी काम खुलेआम। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।